सीरियल जन्नी आई की कहानी में डॉक्टर के यहाँ 6 लाख रुपए कैश जमा करवा देती है। कहती है ये लो पूरे हैं, लिख कर जमा कर लो मेरा नाम और बताओ तो। डॉक्टर कहती है ठीक है बैठिए, आपका नंबर अभी आता होगा, फिर आपको मिलेगी पर्ची। तभी वहाँ पर आता है ऋत्विक और उससे भी फाइल ले लेती है। कहती है कब आएगा नंबर, जल्दी बता दीजिए, और वहाँ से एक फाइल लेकर चली जाती है। यहाँ पर कंगन के लिए लड़ती हैं सारी बहनें, कहती हैं कि ये क्या तमाशा बना रखा है। माँ बोलती है क्यों दुकान खोल कर रखी है, तो वह बता देती हैं कि जो कंगन थे वो गायब हो गए हैं। नीचे जाती है माँ पॉली की और कहती है सुन रही हैं, आपने जो कंगन दिए हैं वह चोरी हो गए हैं। तभी वहाँ पर आ जाती है ईरा, उसे धक्का देती है और फेंक देती है दवाई जो वह लेकर आई थी 6 लाख रुपए। बहुत रोती है, बहुत रोती है। तारा उसे चुपाती है, कहती है माँ मत परेशान हो। वह दवाई छूकर बहुत रोती है क्योंकि उसने अपने सारे गहने बेचकर वह दवाई लाई थी। कहती है कि कहाँ से यह इतनी महंगी दवाई आ गई और तूने गहने चुरा लिए, कहाँ हैं गहने, और गहने बेचकर लाई थी क्या दवाई। ऊपर पॉली और मौली सुन रही होती हैं। दादी कहती है इल्ज़ाम मत लगाओ, उसने अपने गहने बेचे हैं, तुम्हारे कंगन नहीं बेचे। तो कहती है देख लो, ये माँ ने मोहर लगा दी कि गहने ज़रूर बेचे हैं। यहाँ रोती हैं ईरा और तारा, दोनों अंदर चली जाती है। वह कहती है मुझे मेरे कंगन चाहिए और लहंगा नहीं देखना है। इधर पर जो ऑफिसर होता है लैब वाला, वह जाता है और एक पेन और कॉपी रखता है एआई हैंड के सामने और उससे ऑपरेट करके कहता है कि इसमें लिखो जो, लेकिन एआई हैंड उससे अच्छे से ऑपरेट ही नहीं होता। वह उठाता तो है पेन लेकिन लिखने की कोशिश में वह पूरी जो कॉपी होती है उसे पूरी कॉपी पर पेन चलाकर उसे ख़राब कर देता है। किसी प्रकार की कोई सॉलिड चीज़ लिखता ही नहीं, पूरे में पेन छोटे बच्चों जैसे चलाकर ख़राब कर देता है। वह सोचता है यह क्या हो गया, क्यों ऑपरेट नहीं हो रहा है, मुझसे पूरी कॉपी ख़राब हो जाती है, ऐसा लगता ही नहीं कि रोबो ने लिखा है। फ़ोन आता है तो बता देते हैं ऑफिसर कि वह यहाँ से गई है।